बंदर द्वारा इनका तीसरा वार्षिक संकीर्तन यहाँ पर ये मना रहे हैं बाबा श्याम खाटू जी का। और बहुत यहाँ पर बाहर से इन्होंने जो आज हमारे यहाँ गायक आए हैं और भजन जो करेंगे, एक बहुत ही शानदार इन बच्चों ने, नौजवानों की ये टीम है जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम किया है। मैं इन सबको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इन बच्चों को परमात्मा इतनी हिम्मत दे कि इसी प्रकार से आज इनका ये तीसरा है। और क्या शानदार, आप सब देख रहे हैं कि कितना शानदार और कितना खूबसूरत इन्होंने स्टेज और सब जो डिसिप्लिन में रह के ये सब कर रहे हैं। परमात्मा इनको, बाबा श्याम खाटू जी, इन सबको लंबी उम्र दे, इनको अच्छी सेहत दे और इनको इतनी हिम्मत और ताकत दे कि इसी प्रकार से ये हर साल ये अपना जो कार्यक्रम है इसको करते रहे। बोलो खाटू नरेश की जय। आज करनाल के अंदर तीसरा वार्षिक उत्सव जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। करनाल के अंदर हर महीने इस तरह के कार्यक्रम खाटू श्याम जी के, बाबा के संकीर्तन होते रहते हैं। और जब भी यहाँ पर करनाल में संकीर्तन होता है तो मानो ऐसा लगता है कि खाटू से श्याम, बाबा स्वयं यहाँ पर चलकर आए हैं। तो एक ऐसी अनुभूति हमें प्रतीत होती है। आज भी हम यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि करनाल के अंदर हम रहते हैं और हर महीने हम खाटू श्याम का जागरण और संकीर्तन सुनते हैं और खाटू श्याम वाले बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं यहाँ खाटू श्याम जो सेवक मंडल है उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और यह कामना करता हूँ कि जो भी भक्त जन यहाँ पर आए हैं श्याम बाबा के संकीर्तन में, दरबार में, भगवान उनके सभी की मनोकामना पूरी करे, उनके परिवार में हमेशा खुशहाली रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो हरे के सहारे की। गोयल जी, आज कौन कौन जो गायक है वो यहाँ पर भगवान की प्रस्तुति के लिए बुलाए गए हैं? करनाल के अंदर जब भी संकीर्तन होता है, क्योंकि गायक तो दूर दूर से बुलाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज और ही बताना चाहूंगा कि जो श्याम बाबा के कीर्तन में 5-7-10 बार आ जाता है ना, वो स्वयं ही गायक बन जाता है। थोड़े थोड़े गायक तो हम भी बन चुके हैं। कभी भी खाली बैठे होते तो श्याम बाबा का कीर्तन अपने मतलब भजनों के द्वारा करते रहते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि नए नए जो गायक है ना, कीर्तन में आने के बाद बहुत गायक बन गए हैं और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो नए नए गायकों का भी सुनने का मन करता है।